हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन किया गया है कि जो सीड होता है वो जब जर्मिनेट कर रहा होता है तो सीडलिंग को कहाँ से फूड मटेरियल मिलता है। तो वो जो सीडलिंग जो उसमें से निकलता है, जब जो प्लांट जब ग्रो करना शुरू करता है, जो कोई सीड होता है वो जब जर्मिनेट करता है, तो उसको जो फूड मटेरियल मिलता है वो उसी सीड से ही मिलता है। उस सीड के जो कॉटिलेडॉन्स होते हैं उससे उसको वो अपना फूड मटेरियल लेता है। और जब वो प्लांट इस तरह, जब वो जो सीडलिंग होता है उस तरह से हो जाता है कि उसमें ऊपर लीफ निकल आती है और नीचे उसके जो रूट होता है वो सॉइल में चला जाता है और वहाँ से वो वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देता है, तब उसमें फोटोसिंथेसिस होने लगता है। और जब तक कि उसमें कोई ग्रीन लीफ नहीं निकलती तब तक उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तब तक कि वो जो अपना फूड है वो उसी सीड से लेता है, उसमें जो कॉटिलेडॉन्स होते हैं उनसे वो लेता है। और जब वो थोड़ा सा जो जर्मिनेशन के बाद जब वो सीडलिंग्स बड़ी हो जाती हैं, जब वो प्लांट बड़ा होता है, तो फिर उसमें जब उसका रूट और शूट उसके ठीक से ग्रो हो जाते हैं तो जो कॉटिलेडॉन्स होते हैं वो फिर उसके बाद सूख करके गिर जाते हैं। और अब उसको उस कॉटिलेडॉन्स से फूड की नीड नहीं होती, अब वो अपना फूड खुद बनाने के लायक हो जाता है। और जब अपना फूड खुद बनाने के लायक हो जाता है तब वो अपना जो रूट है उसे सॉइल में जो वाटर मिनरल होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, और जो ग्रीन लीफ होती है उस तक पहुँचता है वाटर मिनरल, और वहाँ पर ग्रीन लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, फिर उसके फूड का फॉर्मेशन होता है। तो जब तक कि उसमें फूड का फॉर्मेशन नहीं होता तब तक कि वो अपना फूड उसी सीड से ही लेता है, उस सीड में जो स्टोर फूड होता है उसी से लेता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किस तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं।